व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे इंशाल्लाह। और देखिए, आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे मूंग मटकी। मूंग मट भी बोलते हैं, मूंग मटकी भी बोलते हैं इसको, और मिक्स भेल बाल भी बोलते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है खाने में। अगर आप लोग बनाते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनाते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी और ये बहुत हेल्दी होती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने तेल डाल दी हूँ, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल है, और इसमें मैंने ये एक चॉप की हुई प्याज डाल देती हूँ, 1 मीडियम साइज प्याज है। बस इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, ना ही इसको ब्राउन करना है। चलिए देखिए, प्याज तो हो गई, इसमें मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मसाले को प्याज। चलिए देखिए, मसाला भी इसमें माशाल्लाह अच्छे से सॉटे हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हमारे जो पाउडर मसाले हैं, वो डाल देंगे। सबसे पहले इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चाय का चम्मच है ये, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम है। धनिया पाउडर डाल देंगे, ये 1 टीस्पून है, मैंने अच्छा भर के डाली हूँ। अभी डाल देंगे रेड चिली पाउडर, ये मैंने 1 चमची डाल दी हूँ, 1.5 टीस्पून डाली हूँ मैंने। अब थोड़ा सा डाल देंगे होममेड गरम मसाला, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून डाल दी हूँ। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला चिपके ना। इन्हें से अच्छे मिक्स करना है, मसाला माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो रहा है। साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी, ये 1 मीडियम साइज टमाटर है, इसको भी डाल देंगे इसमें ताकि ये भी अच्छे से भून जाए। डाल देंगे नमक ये टेस्ट के हिसाब से, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाली हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं डाल दूँगी ये धुले हुए मूंग मट, ओके ये मूंग मट है, इसे मैंने अच्छे से धो ली थी, भिगो के रखी थी पहले, फिर इसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी मैंने ड्रेन कर दी, और इसके बाद मैंने इसको मसालों में मिला ली हूँ। और अब इसमें हम पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। चलिए अब इसे मैं ढक के रख देती हूँ पानी डाल के। चलिए अब इसे ढक कर रख देंगे गलने तक। चलिए देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह सब हो चुका है एकदम अच्छे से, और मैंने तेल इसमें कम ही रखी हूँ, आप चाहें तो थोड़ा तेल बढ़ा सकते हैं। फिर मैं कर देती हूँ चूल्हे को बंद, और इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बस चलिए, यहाँ पर मैं बना रही हूँ थोड़े से चिकन पॉपकॉर्न। इसके लिए मैंने थोड़ी चिकन ले ली हूँ, बोनलेस है, 1 टीस्पून अच्छा भर के वाइट विनेगर डाल दूँगी। अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ली हूँ। और अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स। देखिए, मैंने मसाला यहाँ पे मिक्स कर दी हूँ चिकन में, इसे हम रख देंगे 5-10 मिनट के लिए साइड पे, कवर करके रख देना है इसको। ये देखिए, अभी चिकन को कोट करने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली हूँ 3 टेबल स्पून मैदा, ये 2 टीस्पून है कॉर्नफ्लावर, और ये है कॉर्नफ्लेक्स, मैंने अच्छे से क्रश कर लिए हैं, देख सकते बिल्कुल पाउडर जैसा हो गया, थोड़ा दरदरा भी है, बिल्कुल पाउडर नहीं है, बस इस तरह से कर लिए। ये इस तरह का कॉर्नफ्लेक्स है, आप देख सकते हैं ये ऐसा था, इसको हमने हाथों से क्रश कर लिए तो ये ऐसा पाउडर बन गया। ये मसाले कुछ है ड्राई मसाले, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून है, ये ऑर्गेनो है ये भी 1 टीस्पून है, ये ब्लैक पेपर पाउडर है ये भी 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून से थोड़ा कम है ये, और ये सॉल्ट है, थोड़ा है सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने चिकन में भी डाले है इसलिए इसमें थोड़ा सा हम कम डालेंगे। चलिए अभी इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा मैंने डाल दी हूँ, अब इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, और इसके अंदर अब हम डाल देंगे कॉर्नफ्लेक्स। चलो इसमें अब डाल देंगे सारे ड्राई मसाले, इन सबको अच्छे से कर लेंगे अभी मिक्स। मैदा है उसको भी मैंने अच्छे से फेंट ली हूँ, ज़रा सा नमक डाल के, चुटकी भर नमक ही इसमें मैंने डाली हूँ। इस तरह से अंडे में अच्छे से डिप करते जाएंगे, फिर इसे आटे में डालते जाएंगे। ठीक है,
इस तरह से करना है इसको अच्छे से, इसे इस तरह से अच्छे से कोट कर देंगे। देखिए इस तरह से इसे कोट करना है, ये हो चुकी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। चलिए फ्राई पैन में मैंने तेल ले ली हूँ, इसको मैंने गरम कर दी हूँ। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है और इसमें भी जो हमने चिकन के पॉपकॉर्न बनाए हैं वो हम इसमें डाल देंगे फ्राई करने के लिए। इसे गोल्डन फ्राई करना है और इस तरह से निकाल देना है। आँच को ज़्यादा फास्ट नहीं रखेंगे हम लोग, वरना वो जल भी सकते हैं। चलिए यहाँ पर मूंग मट भी तैयार हो गई है और अभी हम खाने के लिए बैठ गए हैं। और पता नहीं ये क्लिप मेरे से फास्ट क्यों हो गई है, सॉरी, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ वीडियो एडिटिंग के टाइम। और देख सकते हैं ये चिकन पॉपकॉर्न है, ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल पक चुके हैं, एकदम अच्छे से गल गए हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो बहुत अच्छे से गल जाएंगे। देखिए अभी जो मैंने आटा बांध के रखी थी, दोपहर में रोटियां बनाई थी, उसका थोड़ा सा आटा मेरा बच गया था, एक्स्ट्रा बन गई थी, इसलिए मैंने वो आटे को वेस्ट नहीं करी हूँ और इसकी मैं छोटी छोटी पूरी बना ली हूँ टी टाइम स्नैक्स के हिसाब से। तो आटे को हम अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, आप देख सकते हैं थोड़ा सा बस मैं इसे सॉफ्ट करी हूँ क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखी थी और फ्रिज में रखने से ये थोड़ा सा सख्त हो गया था, तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा सॉफ्ट कर रही हूँ। इसके बाद में मैं इसमें मैं पीसी हुई शक्कर मिला रही हूँ, इसको भी आटे में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी डाली हूँ जो मैं बोलने के लिए भूल गई थी, तो मैं अभी बता रही हूँ। शक्कर से मैंने अच्छे से मिला ली हूँ। अब ये यहाँ पर सूखा खोपरा है, इसको मैंने ग्रेट करके रख दी थी। और यहाँ पर बादाम है, ये 2 बादाम मैंने ली थी, इसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर ली हूँ बारीक बारीक। इनको भी हम अब मिला देंगे इसमें। देखिए ये भी अच्छे से मिला ली हूँ इसमें मैंने, ठीक है। हाँ अब इसको हम बेल लेंगे, एक अच्छी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। हाँ और इस तरह के कोई छोटा सा शेप का अगर ग्लास हो या छोटा कुकीज कटर हो, शेप देते जाएंगे। बस थोड़ा सा खुश्की लगा देंगे। चलिए अब इसको ऐसा बेलना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए हो गया, ये अपना रोटी बन गई है। बस इस तरह से शेप देते जाएंगे। देखिए अभी बस इस तरह से हम लोग इसको पहले ये निकाल, देखिए इसको यहाँ पे आराम से उठा के इधर रखते जाएंगे। देखिए ये अभी इतने हो गए हैं और अभी इतना आटा और रह गया है, तो इसको फिर से हम वैसे ही रोटी की तरह इसे बेलेंगे और फिर ये ग्लास की मदद से या कोई भी कटर की मदद से इसको शेप देते जाएंगे। देखिए और कितने निकलेंगे, थोड़ा सा खुश्की लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने शाम की चाय भी चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे मैंने तेल भी चढ़ा दी हूँ चूल्हे पे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, अदरवाइज़ डालने के साथ में ही पूरियाँ जलने लगेगी, कलर चेंज हो जाएगा। बस इसे इस तरह से डालते जाएंगे और इसे अलट पलट करते हुए फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना है, बस चेक करते जाएंगे। चलिए व्यूअर्स देखिए यहाँ पर अभी मैंने जो छोटी छोटी पूरियाँ बनाई हूँ, एक्चुअली मैंने आज मूंग मट बनाई थी, इसके साथ में मैंने रोटियाँ बनाई थी और रोटियों में से थोड़ा सा मेरा आटा बच चुका था, तो मैंने वो आटे को वेस्ट नहीं की हूँ और यहाँ पर मैंने इसकी छोटी छोटी पूरी बना ली हूँ टी टाइम स्नैक के हिसाब से, ताकि हमारी जो चीज़ है वो वेस्ट ना हो इसके लिए। और ये थोड़ी बड़ी बन गई है क्योंकि ये लास्ट में बच गया था इसके लिए।
और मैंने थोड़ी सी इस पर शुगर स्प्रिंकल करी हूँ क्योंकि शक्कर थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे, तो मैंने इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर दी हूँ पाउडर शुगर। बहुत टेस्टी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। आप लोग भी ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएंगी। चलिए व्यूवर्स, देखिए अभी चाय नाश्ता शाम का भी हो चुका है माशाल्लाह से, और थोड़े से बर्तन जो मैंने अभी पूरी वगैरह बनाई थी, चाय बनाई थी, उसके थोड़े बर्तन निकले हैं, वो भी मैं अभी क्लीन कर देती हूँ ताकि इधर कुछ भी गंदा ना रहे, सब साफ़ हो जाए। चलिए ये भी साफ हो गया। चलो